ये मेरी तरफ से यथाशक्ति प्रयास था। एक गीत सुनिएगा, एक गीत कभी फिल्म वालों ने गाया था, के हिंदू है ना मुसलमान, बिल्कुल। कैसे इस समय लोग कह रहे हैं कोरोना है, तो देखिए कोरोना कैसे है। अरे कहती है भारत सरकार, कहती है भारत सरकार कोरोना जारी है, जारी है, अभी चल रहा, अभी गया नहीं। अहमदाबाद में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया, हमारे बड़े जीजा जी आने वाले हैं, अब देखिए वो आ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कहती है भारत सरकार कोरोना जारी है, पीड़ित है सारा संसार, केवल हम आप नहीं ना? के पीड़ित है सारा संसार कोरोना जारी है, पीड़ित है सारा संसार कोरोना जारी है, पीड़ित है सारा संसार कोरोना जारी है। कहते हैं COVID-19 की अभी कोई दवा बनी नहीं, पता नहीं क्या सही क्या गलत है। अरे कोई दवा नहीं है इसकी, केवल शर्त जरूरी, कोई दवा नहीं है, शर्त जरूरी है। दीपू भैया,
अरे कोई दवा नहीं है इसकी, केवल शर्त जरूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर, बस दो गज की दूरी। वाह, फेस मास्क है जरूरी और दो गज की दूरी। लेकिन बस रेलवे यहाँ कोई दूरी नहीं है और ना यहाँ मास्क ही जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, अरे कोई दवा नहीं है इसकी, केवल शर्त जरूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर, बस दो गज की दूरी। कि ये है रक्षा के आधार, कि ये है रक्षा के आधार, कोरोना शुरू है। चाचा जी सुनिएगा कि मदिरालय में नहीं कोरोना, सरकारी ठेका खुला है, लेकिन कि मदिरालय में नहीं कोरोना, देवालय में हावी, मंदिर मस्जिद बंद है, भगवान भोग के लिए तरसे, लेकिन मदिरालय खुले, देसी ठेका खुला है 24 घंटे। और क्या, कि मदिरालय में नहीं कोरोना, देवालय में हावी, पेशकार मुंशी वकील तज न्यायालय में हावी। पेशकार मुंशी वकील तो बैठता है, लेकिन न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बैठता, उसको कोरोना हो जाएगा, उसको डर। बिल्कुल, यह है खुरपेची की खुरपेच। और क्या, उसके लिए उसके निवास में जाना होगा सिग्नेचर कराने, न्यायाधीश नहीं बैठता न्यायालय में, वीडियोग्राफी से सिग्नेचर हो रहे हैं। बहुत अच्छे। तो देखिए कि मदिरालय में नहीं कोरोना, देवा पेशकार मुंशी वकील तज न्यायालय में हावी। और कहां कोरोना नहीं है, कहां, अरे खुले माल शॉप बाजार, मॉल शॉप बाजार ये सब खुले हैं, यहां कोरोना नहीं है ना, के खुले माल शॉप बाजार कोरोना। दीपू भैया अब देखिए कोरोना कहाँ नहीं है और कहाँ है। कि कथा भागवत बंद चुनावी, भागवत बंद चुनावी है अभियान जरूरी, कथा भागवत पर रोक है, साउंड नहीं लगेगा, 100 लोगों से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा होंगे, एक जगह नहीं हो सकते ना बेटे ना, लेकिन लेकिन के कथा भागवत बंद चुनावी है अभियान जरूरी, भंडारा और दान पे बंदिश, लेकिन लेकिन के भंडारा व कथा भागवत बंद चुनावी है अभियान जरूरी, भंडारा व दान पे बंदिश, पर मतदान जरूरी,
मतदान जरूरी है, है चुनाव और कहाँ बंद है और कहाँ कोरोना है। रमेश भैया के घर में बैठो कीर्तन का घर में बैठो कीर्तनकार कोरोना जारी घर में बैठो कीर्तनकार कोरोना जारी है घर में बैठो कीर्तनकार कोरोना जारी। सरकार ने रोक लगा रखी है, हम लोग 3-4 महीने 6 महीने लगभग हो रहे हैं, रोज हम लोग के हारमोनियम साफ हो रही है, अरे आज नंबर आएगा कल नंबर आएगा, लेकिन नंबर आ गया। हमारे दीपू भैया ने बुलाया और ढेर सारा सम्मान और आशीर्वाद दिया, नंबर आ ही गया। अभी भी खुलकर नहीं हो रहे हैं ना। ये तो हमारे दीपू भैया हैं जिन्होंने कराया है, लेकिन अगर कभी हमें फोन आता है तो यही होता मैडम पहले हम लोग लिखा लें, पहले इजाजत ले लें, नहीं पुलिस वाले रात में बंद करा देंगे और पता लगा 4 डंडे आपको और हमको भी मारे तो क्या फायदा। तुमने कहा हाँ भैया ये जरूरी, पहले ये करा लेना बाद में हमको फोन करना। वाह। तो घर में बैठो कीर्तनकार कोरोना जारी है। बिन दर्शक के मैच हो रहे, वाह, बिना दर्शकों के मैच हो रहा है, लेकिन सबस, अरे बिन दर्शक के मैच हो रहे इसके क्या है माने, और सील लाश, लेकिन अरे सील लाश में हुआ है क्या क्या, ज्योति कमल क्या जाने। कहते हैं मर गए कोरोना से, सील पैक कर दिया, अरे हम क्या पता कौन सा पार्ट शरीर का निकाल लिया गया हो, उस सील पैक है लाश। क्या व्यापार हो रहा है कोरोना की आड़ में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई है। दर्शक के मैच हो रहे इसके क्या है माने, और सील लाश में हुआ है क्या क्या, ज्योति कमल क्या जाने। अरे उत्तर दे ये जिम्मेदार, वाह, कहाँ गए ठेकेदार, क्या उत्तर दे ये जिम्मेदार कोरोना। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। अरे बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अबे ठंडी की रात है, हमारे श्रीवास्तव जी इतना समा बांधे हैं, बहुत आनंद की बात है। आइए आपके गीत की तरफ चल रहा हूं, आपका गीत आया कि जरम के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी।
शर्म के मारे लाल पड़ गया रंग मेरा बादामी, और गली गली में छनक छनक के करे मेरी बदनामी, घुंघरू विषय की नाम नहीं लेना चाहते, कोरोना। ये शुरू में कोरोना कोविड-19, आज इसकी अगर कोई नाम ले लेता है तो मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ये कोरोना शब्द, अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, जितना हमें ज्ञान है गुरुओं से जो मैंने सुना है, ये कोरोना कोविड-19 कुछ है नहीं। कोविड-19 कुछ है नहीं। कहते हैं कि धर्म का लोप होकर जब पाप मैं संसार होता, दुखी और दीन निर्बल पर जब हाहाकार होता है, अरे प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। ये कोविड-19 कोई 2020 में नहीं आई, अरे 1918 में भी एक वायरस आया था। जब हर एक शताब्दी पूर्ण होती है तो एक कोरोना जैसा भाई उतर आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चूंकि गीत आया है कोरोना का, तो कोरोना से ही संबंधित नॉर्मल है। जैसे आप बता रही हैं कि पाकिस्तान को यहां कौन सुन रहा है, और मैं कहता हूं ये जो हमारे संजय भैया बैठे हैं ये ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? मैं तो मंच के माध्यम से कहता हूं इसको शरीफ परवाज को सुनाई जा करके। बात किसी पार्टी स्तर की नहीं है, बात हिंदुत्व की नहीं है, बात सत्यता की। इन्हीं के माध्यम से पाक वाले सुने। अब आप बता रही हैं कि पाकिस्तान में इसको कौन देखेगा, यहाँ जो बैठे हैं इनको, ये पाकिस्तान तक अगर मैं तो सोच रहा हूँ मेरी बात वहां तक जाए। पाक वाले सुनेंगे तो आप, लेकिन खैर जाने दीजिए। आपका गीत जो आया है, आपका गीत आया और आपका गीत कह रहा है कि कहती है भारत सरकार, कहती है भारत सरकार कोरोना जारी है, कहती है भारत सरकार कोरोना जारी है। अरे बहन जी, भारत सरकार नहीं कह रही, सभी कह रहे हैं क्या कि
ये पीड़ित है, ये पीड़ित है सारा संसार, कोरोना जारी है। अब बात आपने बताया कोई दवा नहीं है इसकी, केवल शर्त जरूरी। हालांकि जो गाइडलाइंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स पालन आए थे, रूल्स आए थे, ये बात सत्य है। लेकिन देखो कोरोना है क्या, जवाब में सुनिएगा। पैसा ले लियो महाराज, पैसा। इन्हीं जवाब पंक्तियों पर प्रसन्न होकर हमारे परम आदरणीय एमएलसी प्रतिनिधि बड़े भैया दीपू सिंह जी के छोटे भाई, अच्छा उनके छोटे भाई जी संदीप भैया की तरफ से 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे अंकुर भैया के लिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत। ले लो बेटा, लो बेटा लो, सुबह मौसम्बी का जूस पीना। देखो ऐसा है, हल्का से बुकनू डाल लेना उसमें, कि खबड़म भबड़म करना अलग की बात है, मेहनत अलग की बात है। हर काम यहाँ पर नफा तुला होगा, भले थोड़ा लेट निकलेगा लेकिन नफा तुला निकलेगा। आपने बताया कहती है भारत सरकार कोरोना जारी है, मैं क्या कह रहा हूँ ज्योति जी सुनेगा। वाह, कि केवल फंसा हुआ इंसान केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है। जारी है नहीं, तो जारी कब से है, कब तक रहेगा, हमसे उससे लेना देना नहीं। हमसे केवल इस समय की बात, अरे परम आदरणीय हमारे चाचा श्री आदरणीय फतेह खान साहब, आपकी ओर से 51 मुद्राएं आई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और का सुनेगा आदरणी चाचा जी, सुनेगा एक लाइन सुनेगा, कि केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है, कोरोना रोना है, रोना है ये रोना है। अरे जीव जंतु के बजते ना प्राण, कोरोना रोना है, केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है, केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है, केवल फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है। और मैं एक चीज कह रहा हूं, कोरोना से डर उसको लगे जो ऐसा कार्य करता है। देखो सैनिटाइजर, फेस मास्क, हाथ से, मतलब तमाम तरह के ऐसे रूल्स आए हैं, मैं कहता हूं इसका मतलब जीरो। अब सत्यता बता रहा हूं, कोरोना पकड़ता किसको है? और क्या, कि जहां हो मंगल कार्य वहां है बड़ा अमंगल भारी। बहन ज्योति जी, जहां हो मंगल कार्य वहां पे पड़े अमंगल भारी, और वहां कोरोना नहीं देखता जहां है जंगल भारी। अब इसका कारण क्या, के कारण जाने, कारण जाने ये सारा जहान कोरोना रोना है, फंसा हुआ इंसान कोरोना रोना है, अब देखो इसकी मारक क्षमता इतनी स्पीड से बढ़ी, जैसा भी बहन जी ने बताया कि अहमदाबाद में कुछ लोग होम क्वारंटीन हो गए,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुदरत है नाराज, आज ये राज न जाने कोई। कुदरत है नाराज, आज ये राज न जाने कोई। जान जान अनजान बने ये बात न माने कोई। तो कर्मों का ही, ये कर्मों का ही है व्याख्यान, कोरोना रोना है। चटपट बीबी की जय। आइए एक गीत, भोजपुर वाले कहते हैं, भोजपुर वालों ने एक गीत गाया, कन्ना ना पौलू शराबी न दाखल कर। उमरिया में अब देखो हम लोगों ने उस गीत को लिया जरूर है। आइए एक प्रयास, आपको एक नया प्रयास रख रहा हूं आदरणीय भैया दीपू सिंह जी, सुनिएगा।
एक दिन कर्ण कर्ण टहलता हुआ कन्हैया के पास पहुंचा है और कहने लगा, कन्हैया आप तो आनंद कंद द्वारिकाधीश हो। कन्हैया कहने लगे, कर्ण आप में हम में अंतर क्या है? अरे भाई, आप पैदा कहीं हुए पले कहीं, अब मैं भी पैदा कहीं हुआ पला कहीं, और क्या, तो हम में आप में अंतर क्या है? अब देखिए गीत में आप सुनेगा, के सोच कर ये कहानी पले। आज कन्हैया लाल के पास में कर्ण पहुंच गए और कर्ण कहने लगे, कन्हैया ये कन्हैया नीचे ऊपर पिताजी, नीचे ऊपर पिताजी जल में चले जन्म पाया कहां का से होता शुरू नाम तेरा करण, का से मेरा भी होता है नाम किसन, का से तेरा भी होता है, का से होता है शुरू नाम तेरा करण, का से मेरा भी नाम है बनता किसन। शाबाश महाराज, तू भी जल जन्म के बाद फेंका गया और धर्म माता पिता से नाते खा गया। जब कुंती ने अपने उस पुत्र के कर्ण को नदी में प्रवाहित किया तो उस समय पर दुर्योधन के सारथी अधीरथ ने उस बच्चे को पाला है। क्या बात है, जन्म कहां हुआ और पले कहां? ये है, तू भी जल जन्म के बाद फेंका गया, धर्म माता पिता का ना देखा गया, तो किसके घर नहीं।
कह क्या रहे हैं? क्या? मेरी माता मेरे बिन कैसे रही? अरे कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय पर मेरे माता और पिता पेड़ियों की जंजीर में जकड़े थे। वो तो किसी तरह मैं नंद बाबा के यहाँ पर पला हूँ। क्या बात है! इसलिए मुझ में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। मेरी माता मेरे बिन कैसे रहे? सोचो अंतर हृदय हो जाओ। क्या बात महाराज, बहुत सुंदर। एक बार मेरे कोख से उत्पन्न हो जाओ तो भगवान राम ने कैकेयी को उसी जगह वरदान दिया था कि जाओ मैं तुम्हारी कोख से उत्पन्न होऊंगा। तो वही देवकी की कोख से कृष्ण का जन्म हुआ। ये है तो कैकेयी का से खासे सलेमपुर से आप पधारे हुए हैं। देखो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कीर्तन को सुनते नहीं खाते हैं। आपके कर कमलों के माध्यम से 51 मुद्राएं हमारे अंकुर भैया को पुनः प्रदान हो रहे हैं। बहुत लो भैया, सुबह बकरी के दूध पी लेना। दूसरी बात, माँ के ममता में किसी की विषमता नहीं। सोच कर ये कहानी
अरे जन्म पाया कहाँ कहाँ पर बने जन्म पाया। आइए गीत बस चंद्र थोड़ी समय में आदरणीय हमारे भैया श्रीवास्तव जी आइए आप आपका स्वागत है आप जहां कहीं पर भी हो आइए गीत बजा फिल्म वालों ने नहीं यहां भी भोजपुर वालों ने ही कहा है जब हमने रुख देखा कि नहीं अब भोजपुरी का ही मूड बना है अब क्या एक भोजपुरी का एक और टुकड़ा छोटा से एक गीत बजा कौन सा महाराज कौन सा अरे के जब से गए मेरे पिया परदेश में से रहती हूँ बगली के भेद ऐसे बाल बिखरा के ऐसे बाल बिखरा के ऐसे काजल लगा के ऐसे बाल बिखरा के ऐसे काजल लगा के अपने भैया बगदारी सैया बना लीजिए टुकड़े को हमने सुना तो एक बात याद आ गई अब देखो इसमें क्या मैंने लिखा है क्या सोचा है महाराज डरना नहीं हम लोग हैं अरे के तुलसी के राम तुलसी के चंदन में बंध गए तुलसी के राम तुलसी के चंदन में बंध गए यदुनंदन पार्थ भक्त के चंदन में बंध गए रघुनंदन प्रथगीत के चंदन में बंध गए गए बंधन में बंध तुलसी के राम तुलसी के चंदन में बंध गए यदुनंदन पार्थ भक्त के बंधन में बंध गए रघुनंदन प्रथगीत के क्रंदन में बंध गए और बलि बांधने पावन गए बंधन में बंध गए को पहरेदारी के रूप में अपने उस पाताल लोक में रखा राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा नारायण मैं जब सुबह उठूं और जिस दरवाजे पर मेरी नजर जाए वहां आप ही मुझे नजर आओ वही मिलना सुबह इधर लक्ष्मी जी को नारद जी ने बता दिया कहा माता तुम्हारे पति तो गए गए लक्ष्मी जी ने कहा कहां गए अरे कहा राजा बलि के यहां पहरेदारी कर रहे हैं वो तो अब, गए अब कैसे आएंगे तो देखो नारद जी बतला रहे हैं कि लक्ष्मी जी से कि विष्णु भगवान वहां से वापस कैसे आएंगे ये सुनेगा वो तो गए लक्ष्मी जी क्रोधित थी क्योंकि उनके पति नहीं है तो नारद जी बतला रहे हैं क्या क्या अरे पिताजी के आवेश परिवेश सौम्य भेष
क्या बात है अंकुर भैया, बहुत बढ़िया आनंद है। नारद जी लक्ष्मी जी से बस थोड़े से शब्दों में बता रहे हैं क्या, प्रयोग देखिएगा, अपना प्रयोग देखिए आप। तज के आवेश परिवेश सौम्य भेष में, तज के आवेश यानी जो क्रोध में हो इसका भेष अपना बदलो। तज के आवेश परिवेश सौम्य भेष में, और देश ना विदेश देश शेष के विशेष में, कहीं देश विदेश में बाहर नहीं है। अरे वो तो राजा बनी के यहाँ, क्या बात है। जियो 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 महाराज। तज के आवेश परिवेश सौम्य भेष में, देश ना विदेश देश शेष के विशेष में, तो थाल मंगल सजा के। शाबाश। आपको एक उपाय बताता हूँ। नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं आप एक मंगल थाल सजाइए, और रक्षा बंधन का दिन है कल, आप जाकर राजा बलि के हाथ में राखी बांधो। तब वो कहेंगे कि बहना आपको क्या दो, तो आप अपने पति को मांग लेना। ये प्रयोग देखेगा कि तो थाल मंगल सजा के बांधो रक्षा सूत्र जाके, थाल मंगल सजा के बांधो अपने भैया से दुआ कीजिए। बहुत अच्छे। अब लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। थाल मंगल सजा के बांधो रक्षा सूत्र जाके, अपने भैया से दुआ कीजिए। फिर भैया जी से सैया छुड़ा आदरणीय के एस म्यूजिक के प्रोपराइटर साहब संजय भैया, मेरी पंक्तियों को सुनिएगा। थाल मंगल सजा के बांधो रक्षा सूत्र जाके, अपने भैया से दुआ कीजिए। मैं समझता हूँ हाथ में गर्मी आ गई होगी, एक बार जयकारा लगा दें। बोलिए